आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से मिला। जैसा तफसील से माननीय आनंद शर्मा जी ने बताया, पिछली बार सीएजी को जब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिला था, उसके बाद तीन नए मुद्दे हैं। पहला, फ्रांस के उस समय के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंदे, उन्होंने स्पष्ट तौर से, सार्वजनिक तौर से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 36 जहाज मेड इन फ्रांस खरीदने बगैर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके एवज में सरकारी कंपनी एचएएल से ठेका छीनकर निजी कंपनी रिलायंस डिफेंस को देने के लिए भारत सरकार की ओर से दबाव डाला गया था। उस कमरे में दो व्यक्ति थे, एक फ्रांस के राष्ट्रपति, एक भारत के प्रधानमंत्री। स्वाभाविक है कि वो दबाव श्री नरेंद्र मोदी ने निजी हितों को साधने के लिए और सरकारी हितों को ताक पर रखने के लिए डाला था। दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू जो सामने आया है, उस समय के ज्वाइंट सेक्रेटरी एयर, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्विजिशन भी थे, उन्होंने स्पष्ट तौर से जहाज की कीमत को लेकर ऐतराज दर्ज किया। मोदी जी ने उस समय की डीजी एक्विजिशन के माध्यम से, जिसे बाद में यूपीएससी की मेंबरशिप से नवाजा गया, उस ऐतराज को बगैर गौर किए दरकिनार कर दिया। जब एक भारत सरकार का सुरक्षा का रक्षा का अधिकारी सरकार के खजाने को चूना लगाने को लेकर पुकार पुकार कर लिखकर कह रहा था, तो मोदी सरकार उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र क्यों कर रही थी? और तीसरा, जैसा आदरणीय आनंद शर्मा जी ने कहा, सरकार का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को लेकर और उसमें रिपोर्ट आने से पहले ही क्लीन चिट्स को लेकर बार बार मीडिया के द्वारा सेलेक्टिव प्लांट्स के माध्यम से शरारतपूर्ण और षड्यंत्र पूर्वक खबरें जारी कर रहे हैं, क्या ये संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों के साथ सीधे आम छेड़छाड़ नहीं? क्या मोदी सरकार अब सीएजी की रिपोर्ट को भी प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र कर रही है? क्या संवैधानिक संस्थाओं को संविधान के अनुरूप सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करने की इजाजत नहीं? ये सारे कंसर्न्स भी हमने सीएजी के समक्ष रखे और फिर ये दोहराया कि कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही अकेला ऐसा तरीका है जिससे राफेल घोटाले, प्रधानमंत्री की भूमिका, मोदी सरकार की भूमिका, षड्यंत्र, पैसे का घोटाला, रिश्वतखोरी, उन सब का पर्दाफाश हो सकता है। और सीएजी की रिपोर्ट में इन सारे तथ्यों की बाकायदा जांच होनी चाहिए। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने ये आश्वस्त किया हमें कि वो संविधान की धाराओं और मापदंडों के अनुरूप बगैर किसी दबाव या बगैर किसी द्वेष के वो पूरे मामले की जांच अवश्य करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो अब आनंद जी लेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। मोदी सरकार ने, खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने, देश के रुपये का और अर्थव्यवस्था का लुढ़कता रुपया, अर्थव्यवस्था का बंटाधार और पेट्रोल और डीजल में कीमतों में जिस तरह से आग लगी है, उसने आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। मोदी सरकार आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अब उन्होंने 92 रुपए के पार करवा दी हैं। डीजल की कीमतें 75 रुपए को पार हो चुकी। रसोई गैस की कीमतों में भारी इजाफा हुआ, प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी इजाफा हुआ और अब जिस प्रकार से रुपया लुढ़क रहा है, उससे साफ है कि मोदी सरकार क्यों ना दशा है, ना दृष्टि है, ना रास्ता है। और डूबती अर्थव्यवस्था के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो मोदी सरकार का कुशासन और मोदीनॉमिक्स का फेलियर जो है वो जिम्मेवार है। अगर इसी प्रकार से यथास्थिति चलती रही तो देश की अर्थव्यवस्था को एक गहरे कुएं के अंदर मोदी जी धकेल देंगे, जहाँ पर आम आदमी का जीना और ज़्यादा दूभर हो जाएगा। आज जो बलबला और जो गुस्सा महंगाई को लेकर और लुढ़कते रुपये को लेकर
और अर्थव्यवस्था का के दिवालियेपन को लेकर आज पूरे देश में मोदी सरकार के पास है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।